जय हिंद बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे, शैक्षिक तकनीकी को डिस्कस कर रहे थे। हमने शैक्षिक तकनीकी की अर्थ परिभाषा देखा, उसके उद्देश्य अवधारणाएँ देखी, साथ ही साथ हमने शैक्षिक तकनीकी के उपागम देखे, कठोर उपागम, कोमल उपागम और प्रणाली उपागम। इसी क्रम में दोस्तों, शैक्षिक तकनीकी के ये आज हम प्रकार देखने वाले हैं। शैक्षिक तकनीकी के कितने प्रकार होते हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के टाइप्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको आपके सिलेबस में जैसा बताया गया कि शैक्षिक तकनीकी के चार प्रकार दिए गए हैं, कौन कौन सा। पहला, शिक्षा तकनीकी, टीचिंग टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये जो टीचिंग टेक्नोलॉजी है ना, आपका सेकेंड यूनिट यानी कि आपका नेक्स्ट यूनिट केवल इसी पॉइंट से है कि टीचिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा, इसकी विशेषताएँ, टीचिंग टेक्नोलॉजी के कौन कौन से मॉडल्स हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ना है। एक अलग से टॉपिक ही है, पूरा यूनिट ही है टीचिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। ओके, इसके अलावा जो आपका दूसरा पॉइंट है दोस्तों, शैक्षिक तकनीकी के प्रकार के बारे में। शैक्षिक तकनीकी का दूसरा आपका प्रकार है व्यवहार तकनीकी, यानी कि बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। ठीक है, तीसरा है दोस्तों अनुदेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, अनुदेशन तकनीकी। और चौथा है दोस्तों इंस्ट्रक्शनल रूपरेखा, यानी कि अनुदेशन रूपरेखा, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। तो ये आपका कंप्लीट है दोस्तों। ये दोस्तों आपका कंप्लीट है शैक्षिक तकनीकी के प्रकार के बारे में। ओके, तो इस वीडियो में हम आपके दो प्रकार देखेंगे, कौन कौन सा, व्यवहार तकनीकी और शैक्षिक तकनीकी। ये दो प्रकार को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को ज्वाइन करने के लिए, देखने के लिए। आइए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। पहले एक बार रिकैप कर देते हैं शैक्षिक तकनीकी के बारे में कि शैक्षिक तकनीकी क्या होता है। ठीक है, तो आइए एक बार एक नज़र डाल लेते हैं शैक्षिक तकनीकी के बारे में। शैक्षिक तकनीकी दो शब्दों से मिलकर बना है, कौन कौन सा, शिक्षा और तकनीक। इसको छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए। शैक्षिक तकनीकी कितने शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और तकनीक। अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकों का इस्तेमाल क्या कहलाता है, शैक्षिक तकनीकी कहलाती है। थोड़ा सा और इसको बेहतर बना लीजिए, तकनीक की जगह पे आप कह लीजिए वैज्ञानिक ज्ञान और सिद्धांत। ठीक है, तो शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक ज्ञान एवं सिद्धांतों का प्रयोग शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। और सबसे बेस्ट और लास्ट आप एक बार और देख लीजिए, समझ लीजिए शैक्षिक तकनीकी होता क्या है, समझना क्या है, लिखना क्या है। तो शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक ज्ञान एवं सिद्धांतों का प्रयोग करके शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सहज, सरल, प्रभावशाली बनाने के लिए वैज्ञानिक तकनीकी, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत विधियों का उचित प्रयोग शिक्षा तकनीकी कहलाता है। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में आपको मनोवैज्ञानिक तकनीकी, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और इसका उपयोग करके शिक्षा की प्रक्रिया को सरल मतलब आसान बना दे, सहज बना दे, प्रभावशाली बना दे। वास्तव में यही क्या कहलाता है, शिक्षा शैक्षिक तकनीक कहलाता है। तो इस वीडियो को हम यहाँ पे शुरू करते हैं शैक्षिक तकनीक के नाम पे कि शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक ज्ञान और सिद्धांतों का प्रयोग करके, मनोवैज्ञानिक ज्ञान और सिद्धांतों का प्रयोग करके शिक्षण प्रक्रिया को सहज, सरल और प्रभावशाली बनाने की विधि क्या कहलाती है, शैक्षिक तकनीकी कहलाती है। बहुत अच्छा बच्चों, बिल्कुल बोलचाल की भाषा में समझना है और इसी भाषा में लिखना है। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं शिक्षा शैक्षिक तकनीकी के प्रकार में। पहला आज हम जो पढ़ने वाले हैं व्यवहार तकनीकी। ठीक है, चलिए, तो व्यवहार तकनीकी की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे एक शब्द है व्यवहार तकनीकी। व्यवहार मतलब देखिए, व्यवहार तकनीकी शैक्षिक तकनीकी का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह इस बात पर बल देता है कि अधिगम तथा शिक्षण में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाए। अब यहाँ पे ना मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाएगा, तो ये कोमल शिल्प उपागम के अंतर्गत आएगा। ये किस अप्रोच के अंदर आएगा, ये आएगा आपका सॉफ्टवेयर अप्रोच के अंतर्गत, क्योंकि हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कर रहे हैं। अच्छा, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का प्रयोग करके क्या करना है आपको, आप करना ये है कि शिक्षण के उद्देश्यों के संबंध में विद्यार्थी तथा शिक्षक दोनों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन हो सके। व्यवहार तकनीकी को व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करती है। व्यवहार परिवर्तन ही अधिगम प्रक्रिया के रूप से जाना जाता है। देखिए, शिक्षा के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो शिक्षा का एक परिभाषा ये है कि शिक्षा वो है जिससे आपका व्यवहार में क्या हो, द एजुकेशन विच मेक अ मॉडिफिकेशन ऑफ योर बिहेवियर, आपके व्यवहार में मॉडिफाई करता है, शिक्षा आपके व्यवहार में मॉडिफाई करता है। तो व्यवहार तकनीकी का मतलब ये है बच्चों कि आप ऐसे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करिए कि बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन हो और वो शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करे। कैसे, इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो आप मनोवैज्ञानिक तरीके से उसको समझाएंगे। कैसे समझाएंगे, आप अपने मनोवैज्ञानिक मेथड्स लगाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर वो नहीं पढ़ रहा है तो उसके अंदर क्या कमी है,
आप एक काम करिए, उसकी तारीफ करिए, उसको मोटिवेट करिए, उसको अभिप्रेरणा दीजिए, ठीक है। उसको ये एहसास कराइए कि वह एक अच्छा बालक है, समझदार बालक है, क्रिएटिव बालक है और वो बहुत अच्छा कर सकता है। उसको क्लासरूम में खड़ा कराइए, कोई अगर एक जवाब भी देते उसके लिए क्लासरूम में ताली बजवाइए। अब उसके अंदर क्या आएगा, आत्मविश्वास आएगा, आत्मसम्मान आएगा, तो इससे वो उसको लगेगा कि वाह कक्षा में, मतलब एक एक भरोसा उसके अंतर्गत आएगा। और इसी सिद्धांत, इसी ये तरीका क्या है, मनोवैज्ञानिक तरीका। आपने उसके मन के साथ उसको, मन को उसको समझाया, मन को उसको कंट्रोल किया, ये मनोवैज्ञानिक तरीका है। इससे उस बच्चे को क्या होगा, उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा और वो पढ़ाई लिखाई शुरू करेगा, पढ़ाई पे और बल देगा, ठीक है। तो इसी प्रकार के शिक्षण तकनीकी का इस्तेमाल, मतलब इसी प्रकार के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का इस्तेमाल, जिससे बच्चों के व्यवहार के अंदर परिवर्तन हो, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के, ठीक है। शिक्षक भी बच्चे किस व्यवहार से समझ सकते हैं उस व्यवहार में अपने आप को ढाले, इसी प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, व्यवहार तकनीकी कहलाते हैं, ठीक है। अब आइए और थोड़ा बहुत इसके बारे में देखते हैं। B.F. स्किनर ने व्यवहार तकनीकी को विकसित करने में विशेष योगदान दिया। स्किनर ने अधिगम संबंधी सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत प्रतिपादन किया और प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया कि व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। ऑब्वियस बात है, डेफिनेटली क्या होता है, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। इसको क्या किया है, B.F. स्किनर ने प्रयोगात्मक के द्वारा यहाँ पे सिद्ध भी किया है। अच्छा, व्यवहार तकनीकी एक और जहाँ बताती है कि विद्यार्थियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाया जा सकता है, वहीं दूसरी ओर शिक्षक कक्षा संबंधित व्यवहार का निरीक्षण, परीक्षण, विश्लेषण, व्याख्या तथा विकास की प्रविधियों का उल्लेख भी किया जा सकता है। व्यवहार तकनीकी को प्रशिक्षण तकनीकी भी कहते हैं, इसको ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। व्यवहार तकनीकी को प्रशिक्षण तकनीकी भी कहते हैं। तो ओवरऑल व्यवहार तकनीकी के बारे में यही है कि आपको मनोवैज्ञानिक ज्ञान और सिद्धांतों के प्रयोग से विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाना, और परिवर्तन मतलब पॉजिटिव परिवर्तन, ठीक है, सकारात्मक परिवर्तन, ताकि वो और शिक्षा की तरफ आगे बढ़े। अभी कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा जब हम यहाँ पे देखेंगे व्यवहार तकनीकी की अवधारणाएं, द कॉन्सेप्ट ऑफ बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। इसमें पहली अवधारणा क्या है बच्चों, शिक्षा का व्यवहार सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक होता है, ठीक है। शिक्षक कह लीजिए या शिक्षा कह लीजिए या विद्यार्थी, ये सामाजिक होता है और मनोवैज्ञानिक होता है। सामाजिक का मतलब शिक्षा समाज से जुड़ा हुआ है, समाज से अलग नहीं है। मनोवैज्ञानिक का मतलब मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है, उससे अलग नहीं है। तो शिक्षा का जो व्यवहार है सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है, इसमें तो कोई दो राय, शक और शुबा हो ही नहीं सकती। दूसरा, अगर अवधारणा की बात करें तो शिक्षक का व्यवहार अवलोकन योग्य होता है, मतलब अवलोकन का मतलब आप देख सकते हैं, एक नकल समझ सकते हैं। अवलोकन का मतलब देखना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मतलब ऑब्जर्वेशन योग्य होता है, ठीक है। एक शिक्षक का कैसा व्यवहार है, बच्चे भी ऑब्जर्व करते हैं और लोग भी ऑब्जर्व, और उसको फॉलो करके अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। तो व्यवहार तकनीकी का मतलब शिक्षक, एक इसका अवधारणा है, इसका कॉन्सेप्ट है कि आप टीचर के भी बिहेवियर को देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। शिक्षक का व्यवहार सापेक्षिक होता है, मतलब यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, सापेक्षिक होता है, रिलेटेड होता है। दूसरा, शिक्षक का व्यवहार मापनीय होता है, आप व्यवहार को आप समझ सकते हैं कि व्यवहार कैसा है उस विद्यार्थी के लिए। शिक्षक का व्यवहार संशोधन योग्य भी होता है, मतलब सुधार किया जा सकता है। और शिक्षक केवल जन्मजात ही नहीं होते बल्कि उन्हें तैयार या निर्मित किया जा सकता है, मतलब बिल्कुल आपके ट्रेनिंग के द्वारा, आपके प्रशिक्षण के द्वारा एक शिक्षक निर्माण किया जा सकता है, उनको तैयार किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गई बात बच्चों व्यवहार तकनीकी की प्रमुख अवधारणा है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, प्रशिक्षण टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। ये हो गई व्यवहार तकनीकी की अवधारणाएँ। अगर हम व्यवहार तकनीकी की विशेषताओं के बारे में थोड़ा सा अगर हम बात कर लेते हैं, व्यवहार तकनीकी की विशेषताएं क्या होती हैं, तो आइए थोड़ा सा व्यवहार तकनीकी की विशेषताएं की नज़र डाल लेते हैं, फिर उसके बाद ये पॉइंट आपका बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, पहला पॉइंट आपका यहाँ पे क्या लगा है, व्यवहार तकनीकी सबसे पहली बात क्या है कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुकरण करती है, यानी कि व्यवहार तकनीक मनोवैज्ञानिक तकनीकों पर काम करती है, सॉफ्टवेयर अप्रोच पर भी काम करती है। आप इसको लिख सकते हैं कि कोमल उपागम का पार्ट होता है। व्यवहार तकनीक पृष्ठ पोषण तथा पुनर्बलन फीडबैक पे काम करती है, ठीक है। आप इसको फीडबैक लेंगे कि बच्चे के अंदर कितना इंप्रूवमेंट हुआ। व्यवहार तकनीकी शिक्षक की क्रियाओं का वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से अध्ययन करती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स एक ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे आप अध्ययन कर सकते हैं।
यह तकनीकी सॉफ्टवेयर उपागम पर आधारित है। सॉफ्टवेयर उपागम पर मैंने बताया था ना कि शिक्षा में ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल करना जिसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सॉफ्टवेयर चीज़ें कहलाती है मनोवैज्ञानिक। जैसे कि मान लीजिए शिक्षा में अगर मोबाइल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये भी एक टेक्नोलॉजी है, लेकिन हम मोबाइल को छू सकते हैं, तो ये हार्डवेयर अप्रोच यानी कठोर उपागम के अंतर्गत आता है। और शिक्षा के क्षेत्र में जब हम मनोवैज्ञानिक का इस्तेमाल करते हैं तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को तो हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको सॉफ्टवेयर उपागम कहते हैं। व्यवहार तकनीकी की छात्र अध्यापकों के व्यक्तित्व विभिन्नताओं पर ध्यान केंद्रित करती है। ऑब्वियस बात है, विद्यार्थी क्या करेंगे, व्यवहार तकनीकी में शिक्षक के व्यक्तित्व पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यह तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा आदर्श तथा प्रभावशाली शिक्षक तैयार करने में उपयोगी होता है। क्यों, अब ऐसा ही बात है ना, टीचर का देखो व्यवहार जो होता है ना, एक टीचर का व्यवहार वो मतलब आदर्श होना चाहिए, आदर्श व्यवहार, आइडियल बिहेवियर होना चाहिए जिसे देख के बच्चे फॉलो करें, ठीक है। तो इसीलिए व्यवहार तकनीकी क्या है, आपको एक प्रभावशाली शिक्षक तैयार करने में उपयोगी है। यह भावात्मक एवं क्रियात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता प्रदान करती है। इमोशनली आप बच्चों को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इमोशनली आप उसको ट्रेन कर सकते हैं, उसको कुछ क्रियात्मक मतलब एक्टिविटीज़ भी आप सिखा सकते हैं अपने बिहेवियर के द्वारा। इसके द्वारा पाठ्य वस्तु तथा विचारों के आदान प्रदान की शैली में परिवर्तन एवं सुधार लाया जा सकता है। तो ये थी टोटल दोस्तों बिहेवियरल टेक्नोलॉजी के बारे में। तो जब हम बिहेवियरल टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे मतलब बिहेवियर चेंजेस के बारे में बात करेंगे। एक शिक्षक के व्यवहार को देख के सीख के शिक्षक के व्यवहार के आधार पर बच्चे अपने व्यवहार में क्या करें, परिवर्तन लाए, इस प्रकार के तकनीक को बिहेवियरल टेक्नोलॉजी और व्यवहारिक तकनीकी कहते हैं। और ये तकनीकी किस पर आधारित होता है, यह तकनीकी आधारित होता है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट है अनुदेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शनल। इंस्ट्रक्शन का मतलब समझते हैं आप, अनुदेशन करना, किसी को इंस्ट्रक्ट करना। जैसे मान लीजिए आप कोई बच्चा कुछ काम कर रहा है, आपने इंस्ट्रक्शन देना है केवल कि बाबू ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, तो इंस्ट्रक्शंस की बात यहाँ पे की जाएगी, ठीक है, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जाएगी। तो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो अनुदेशन तकनीकी कक्षा या कक्षा के बाहर पाठ्य वस्तुओं को प्रस्तुत करने में वर्णन किया जाता है। अनुदेशन का अर्थ होता है सूचना देना, ठीक है, सूचना देना। यह कार्य शिक्षक के अतिरिक्त अन्य साधनों तथा युक्तियों द्वारा भी पूरा किया जा सकता है। अनुदेशन तकनीकी हार्डवेयर उपागम पर आधारित होता है, हार्डवेयर उपागम पर आधारित होता है। इसके अंतर्गत टेप रिकॉर्डर, रिकॉर्ड प्लेयर, टेलीविजन, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर आदि मशीनों पर आधारित सामग्री आती है, ठीक है। आप जैसे बच्चे को कंप्यूटर सिखाना है या कोई भी चीज़ें सिखानी है तो आप किसी गैजेट के माध्यम से कैसे भी सिखा सकते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आता है, हार्डवेयर अप्रोच के अंतर्गत आता है। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए अनुदेशन तकनीकी के बारे में अगर लिखना हो तो कैसे आप लिखा जाएगा। अनुदेशन तकनीकी कक्षा या कक्षा से बाहर पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए वर्णन किया जाता है। अनुदेशन का अर्थ क्या होता है बच्चों, सूचना देना। यह कार्य शिक्षा के अतिरिक्त अन्य साधनों तथा युक्तियों द्वारा भी पूरा किया जा सकता है। अनुदेशन तकनीकी हार्डवेयर अप्रोच के अंतर्गत आता है, इसमें ये सारी वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है। अब आइए इसकी अवधारणा देख लेंगे, बात समझ में आ जाएगी। विद्यार्थी अपनी क्षमताओं और आवश्यकता अनुसार सीख सकता है। अनुदेशन टेक्नोलॉजी ये मानता है कि आप बस उसे इंस्ट्रक्ट करते रहिए, सूचना देते रहिए, समझाते रहिए, वो अपने क्षमताओं और आवश्यकता अनुसार सीख सकता है। शिक्षक की अनुपस्थिति में भी विद्यार्थी सीख सकता है, ठीक है, आपने सूचना दे दिया, आपने उसको इंस्ट्रक्ट कर दिया, वो बच्चा खुद से भी सीख सकता है। अनुदेशन तकनीकी द्वारा अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। इस तकनीकी द्वारा विषय सामग्री को विभिन्न तत्वों में बांटकर प्रत्येक भाग को स्वतंत्र रूप से पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अनुदेशन के निरंतर प्रयोग से समुचित पुनर्बलन प्रदान किया जा सकता है। और ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया। लास्ट पॉइंट हम देखेंगे, लीस्ट पॉइंट नॉट है, लास्ट पॉइंट है अनुदेशन तकनीकी की विशेषताएं, ठीक है। विशेषताएं का मतलब आप यहाँ पर देखेंगे, अनुदेशन तकनीकी ज्ञानात्मक उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक है। ज्ञान के लिए, जब भी आप किसी चीज़ को सूचना देंगे तो उसके ज्ञान में वृद्धि होगी, ठीक है। इससे पहले वाले में क्या था, भावात्मक और क्रियात्मक था, यहाँ पे क्या है, ज्ञानात्मक है। व्यवहार से भावात्मक, इमोशंस और क्रियात्मक, ये सारी चीज़ें होती हैं। सूचना देने से ज्ञानात्मक यानी कि आपकी नॉलेज की बात की जा रही है यहाँ पे। तो अनुदेशन तकनीकी ज्ञानात्मक उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक है। इसमें विद्यार्थी अपने आवश्यकता अनुसार और अपनी गति के अनुसार सीख सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि कोई बच्चा सारे बच्चे एक साथ सीखेंगे, नहीं, आपने तो सूचना देना है। अब जो जितना करेगा, जो जितना समझेगा, उतना उस हिसाब से सीखेगा। तो विद्यार्थी अपने आवश्यकता के अनुसार, अपनी गति के अनुसार सीख सकते हैं। इस तकनीकी प्रभावी शिक्षकों की कमी को पूरा करती है, ठीक है। बच्चे खुद से सीख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, एक टीचर भी कई बच्चों को ट्रेन करके वो सिखा सकता है। यह मनोवैज्ञानिक एवं सीखने के सिद्धांतों पर आधारित है, सीखने के सिद्धांतों पर आधारित है। इस तकनीकी में पाठ्य वस्तु की का गहराई से विश्लेषण किया जाता है।
एवं जिससे वह बोधमग्य बनता है, मतलब बोधमग्य समझने के अनुसार बनता है। ठीक है, यह तकनीकी पाठ्य वस्तु के स्वरूप तथा इससे निहित तत्वों को क्रम में अधिगमकर्ता के अंदर गहन अंतर्दृष्टि उत्पन्न करती है। अंतर्दृष्टि, गहन अंतर्दृष्टि का मतलब ये होता है, इस तकनीक से इसमें निहित तत्वों के क्रम में अधिगमकर्ता को, अब इसमें जितने भी तत्व हैं ना, उसका आप अंतर्दृष्टि से खुद से सोचने का ना, अध्ययन करने का ना एक शैली, एक आदत से यहाँ पे डिपेंड करती है। अंतर्दृष्टि का मतलब उसके अंदर चीज़ों को सोचना, मतलब खुद से सोचने के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। अंतर्दृष्टि से अधिगम प्रक्रिया में इस तकनीकी का प्रयोग करके अनुदेशनात्मक सिद्धांतों का विकास किया जा सकता है। इस तकनीकी से संबंधित नवीनतम प्रयोगों तथा अनुभवों के निष्कर्ष को लागू करके अनुदेशात्मक सिद्धांतों को विकसित किया जा सकता है। अनुदेशांत का मतलब सिंपल सी बात है, सूचना देना दोस्तों, इसको गाइड करना, आप इंस्ट्रक्शन देते रहिए, अनुदेशन करते रहिए, बच्चे खुद से सीखेंगे, प्रैक्टिकली सीखेंगे, करके सीखेंगे और अपनी गति और अपनी क्षमता के अनुसार सीखेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, दिस इज ऑल अबाउट द अनुदेशन तकनीक। ठीक है दोस्तों, मेरी छोटी सी कोशिश थी कि मैं आपको समझाऊं कि अगर आपसे एग्जाम में पूछता है तो आपको लिखना कैसे, शब्दों को बनाना कैसे, कॉन्सेप्ट विशेषताएं लिखनी कैसे। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। एक लास्ट रिक्वेस्ट आपको दिखा दूँ कि अगर मान लीजिए आपसे सवाल पूछता है तो आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, आप शुरुआत बिल्कुल ऐसे ही करिएगा, मतलब मेथड यही है, आप शब्द अपने लगा सकते हैं बट तरीका ऐसे ही है। आप पहले व्यवहार तकनीकी के बारे में एक्सप्लेन करिए कि व्यवहार तकनीकी होता क्या है, अगर व्यवहार तकनीकी के बारे में पूछता है तो। फिर उसके बाद आप B.F. स्किनर के जो भी योगदान है वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, शैक्षिक व्यवहार तकनीकी की आपने अवधारणाएं डाल दी, इसकी विशेषताएं डाल दी, बस इतना सा काम खत्म। ठीक है, और यकीन मानिए इन चारों तकनीकों में से ये दो तकनीक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रक्शनल और बिहेवियरल। कई बार इससे सवाल पूछा जाता है, मैं आशा करता हूँ आपके समझने में थोड़ा बहुत सहायक होगा। देखिए, अगर वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बताएंगे तो आपके फीडबैक से मुझे भी समझ आएगा और मुझे और कितने मेहनत करना है, किस तरीके से मेहनत करना है। तो मुझे पर्सनली इस वीडियो का कमेंट बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ एक और काम कर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर हमें बता दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको, लाइक करके भी बता सकते हैं आप वीडियो को, और अगर आपको अच्छी लगी है दोस्तों अपने कॉलेज ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिएगा, और अगर आप नहीं जुड़े हैं चैनल से बच्चों सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा, मुझे थोड़ा सा खुशी मिलेगी कि बच्चे जुड़ रहे हैं मेरे साथ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आशा करते हैं कि ये दो तकनीकी आपको समझ में आई होगी, बाकी की जो बचे तकनीक है उसको अगले वीडियो में देखा जाएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें और अपने दोस्तों को इस चैनल से जोड़ना ना भूलें, तो शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। जय हिंद, जय भारत साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। जय हिंद बच्चों।